नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। जी हाँ भाई, सिंगापुर के बारे में 41 टाइप्स ऑफ जॉब मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल जॉब, जिस जॉब में भी आप जाना चाहते हैं आपको जॉब मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जी हाँ, कमेंट बाद में करिएगा, आपके कोई माइंड में हो तो डिटेल से हम बात करेंगे। वीजा की बात करें तो आपको वर्क परमिट वीजा मिलेगा, सैलरी रहेगी $1,000 पर मंथ से लेकर $4,000 पर मंथ तक आपको इसमें तनख्वाह मिल सकती है। सीवी सिलेक्शन होगा। सबसे अच्छी बात है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट, कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं करना, आपको सिंगापुर से कोई कॉल नहीं आएगा, सीवी सिलेक्शन में आपका काम बन जाएगा। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपको करवाना जरूरी है, जिसके ₹6,000 लगेंगे। वीजा चार्ज की बात करें तो टोटल ₹1,50,000 लगेंगे, जो ₹50,000 आपको यहाँ पे वीजा आने के बाद देने हैं और ₹1,00,000 आपको सैलरी से आप कटवा सकते हैं। तो ये बात तो आपको प्रोसेस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं भैया, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी तनख्वाह है, जिसमें आपको जाना है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये देखिए सर, आप ये देख सकते हैं साथियों, सिंगापुर की वैकेंसीज, इन सिंगापुर वैकेंसी कैटेगरी दी गई है। भैया कौन सी वैकेंसी, कितने पद इसमें हैं, कितनी वैकेंसी बाकी हैं, सैलरी भी आप इसमें देख सकते हैं। एडमिन इंचार्ज, इसमें 10 लोगों की जरूरत है, $2,200 से लेके $2,800 तक आपको तनख्वाह मिल जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर की भी जरूरत है, 1800 से 2200 तनख्वाह मिलेगी। डाटा एंट्री की भी जरूरत है, 1500 से 2000 की सैलरी मिलेगी। सर्विस एजुकेटिव की भी जरूरत है, जो 2500 से 3000 तनख्वाह मिलेगी। और सर्विस सुपरवाइजर की जरूरत है, $2,000 से $2,300 तनख्वाह मिलेगी। कारपेंटर की देख सकते हैं, हेवी ड्राइवर की भी हमें जरूरत है, ड्राइवर लाइट की भी जरूरत है, इलेक्ट्रीशियन की भी जरूरत है, सर्विस सुपरवाइजर की भी जरूरत है, पैकिंग जो जॉब होती है उसमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, लगभग 96 पीपल्स की हमें जरूरत है। सैलरी $1,100 से $1,500 आपको इसमें मिलेगी। सिक्योरिटी गार्ड आप देख सकते हैं, 18 लोगों की जरूरत है। स्टॉक कंट्रोलर चेक करने वालों की 3 लोगों की जरूरत है। स्टोर कीपर चाहिए हमें, 11 लोगों की जरूरत है। सुपरवाइजर 23 लोगों की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है, 2 लोगों की जरूरत है। स्टोर इंचार्ज 5 लोगों की जरूरत है। सिविल फोरमैन 12 लोगों की जरूरत है। फिटर 28 लोगों की जरूरत है। मेसन में 32 लोगों की जरूरत है। मैकेनिकल में देख सकते हैं 18 लोगों की जरूरत है। पेंटर में 24 लोगों की जरूरत है। प्लम्बर में 61 लोगों की जरूरत है। रिगर में 14 लोगों की हमें जरूरत है। सेटरिंग फोरमैन में जरूरत है 9 लोगों की। जी हाँ, स्टील फिक्सर में जरूरत है 90 लोगों की। टेक्नीशियन में जरूरत है 4 लोगों की। वेल्डर में हमें जरूरत है 31 लोगों की। हेल्पर में 45 लोग चाहिए। डीजल मैकेनिक में 21 लोगों की जरूरत है। एसी टेक्नीशियन में 43 लोग चाहिए। फेब्रिकेटर में 12, टर्नर में 40 हैं, अकाउंटेंट में 4 हैं, लिफ्ट एविलेटर सर्विस में 35 हैं, कुक में हमें 30 चाहिए, एजुकेटिव में हमें चाहिए 25। जी हाँ, और असिस्टेंट मैनेजर 9 लोगों की जरूरत है। ऑपरेटर में 12 लोगों की जरूरत है। हाउसकीपिंग में 36 लोगों की जरूरत है। वेटर में 19 लोगों की जरूरत है। ये हैं 41 टाइप्स ऑफ जॉब हैं जिसमें आप इसमें जाना चाहते हैं। इसमें तनख्वाह देख सकते हैं $1,000 से लेकर $4,200 तक इसमें तनख्वाह दी गई है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई ना, किस तरीके से इतनी सारी जॉब हैं। पहले मैंने बताया भैया, मेडिकल होगा, सीवी सिलेक्शन में होगा, 1.5 लाख लगेगा, 50,000 यहाँ देना है और ₹1,00,000 तनख्वाह से कटना है। अब इस जॉब में कौन कौन लोग आप अप्लाई करना चाहते हैं आपको भी पता है, लेकिन क्या है ये ट्विस्ट मैं इसलिए लास्ट में लेके आ रहा हूँ कि ये जो जॉब है ना, ये 100% फेक वैकेंसी डाली गई है। अब मुझे एक बंदे ने डाला, फिर उनसे बातचीत हुई तो समझ में आया दिस इज टोटली फेक। ये 41 पॉइंट आप जो फेसबुक पे उठा के, गूगल पे, कहीं पर भी उठा के देखते हैं ना, ऐसे झांसे में आप लोग आराम से फंस जाते हैं। जबकि ऐसा कोई आता, देखिए इतने सारी जॉब आप सोचिए, 41 टाइप तो जॉब है, किसी में 100 लोगों की जरूरत है। आप मानो कि सब जॉब को अगर मिलाते हैं तो 1,000 लोगों की इनको जरूरत है ऑफिस में। 1,000 लोग के, भाई दुबई है ना, दुबई में बड़ी बड़ी कंपनियां ना, उसमें 1,000 लोगों की जॉब एक साथ में नहीं आती, उसमें भी लास्ट 200, 300, 400, 500 इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी में हद होती है, और वो भी सिंगापुर जैसी कंट्री में 1,000। टारगेट फिक्स है, मेडिकल करवाओ जी, 6,000 हमारी पॉकेट में डालते रहो, फिर हम आपको वीजा भी दे देंगे सिंगापुर के नाम से। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप सब लूट लेंगे, हमारा काम लूटना है। अब इनसे बचने का एक ही उपाय है कि भैया डॉक्यूमेंट पहले आप पहले अगले को वेरीफाई कर लें, एजेंट को, कि क्या वो अथोराइज है, क्या वो सरकार की नज़रों में मान्यता प्राप्त है या फर्जी है या फिर आपको बेवकूफ़ बना रहा है। अगर डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसको चेक करवा लें, क्रॉस चेक जरूर कर लें, तभी आप आगे पेमेंट करें। पेमेंट करने का मेथड वगैरह बहुत सारी वीडियोज़ मैंने अलग अलग बनाता रहता हूँ। तो इन जैसे जॉब से जो आपको घर बैठे सब कुछ दे रहे हैं ना, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।